दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस हेडिंग को देखिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इस बार अपने सारे मोबाइल यूजर्स को एशिया कप और 2023 वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कराने वाला है। क्रिकेट के ऐसे मेगा इवेंट्स जिनसे 60 से 70 करोड़ व्यूवर्स मिलने वाले हैं और जिससे हॉटस्टार अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, आखिर ये कंपनी उसे फ्री में क्यों दिखा रही है। सिर्फ एक साल पहले तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो इंडियन ओटीटी मार्केट का 50% शेयर रखता था, वो पिछले कुछ महीनों में ही 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज कर चुका है। और जो क्रिकेट एक समय पर हॉटस्टार की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वही आज इसके गले की हड्डी बन चुका है। तो आखिर कैसे हॉटस्टार अपनी ही सक्सेस स्ट्रेटेजी से मात खाता नजर आ रहा है और क्या आने वाले सालों में इसका खेल खत्म हो जाने वाला है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों साल 2014 के आईपीएल की ये आइकॉनिक एड तो आपको याद ही होगी। वॉच पेप्सी आईपीएल ऑन starsports.com सुबह से लेके शाम कन्ना की बका। वॉच पेप्सी आईपीएल ऑन starsports.com। इस स्लोगन के साथ सालों से टीवी पर क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स को दिखाते आ रहा है स्टार स्पोर्ट नेटवर्क ने इंटरनेट की दुनिया में भी दस्तक दी थी। अब यूं तो साल 2012 में ही हमारे देश में 4G आ चुका था, लेकिन उस समय तक डेटा प्लान्स इतने महंगे हुआ करते थे कि भारत के एक आम आदमी के लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग को अफोर्ड कर पाना काफी कठिन काम था। ऐसे में सभी के सामने यही सवाल था कि स्टार स्पोर्ट्स की ये पहल आखिर कितनी सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम भारतीयों के लिए क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि धर्म है, और इसे देखने के लिए भारत के लोगों ने सारी सीमाएं तोड़ दी। साल 2014 में जब 25% इंडियंस के पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद था, तब करीब 5.5 करोड़ लोगों ने starsport.com पर लाइव आईपीएल मैच देखा। अब दोस्तों वैसे तो आजकल के आईपीएल के एक ही मैच में 2 से 3 करोड़ की व्यूअरशिप आ जाती है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये फिगर्स अनबिलीवेबल कहे जा सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स भारतीयों की रगों में बह रही क्रिकेट की दीवानगी को अच्छे से समझ चुकी थी और इसे देखते हुए उन्होंने 11 फरवरी 2015 को हॉटस्टार की शुरुआत की, जो कि भारत का पहला मेजर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना। हॉटस्टार के लॉन्च होने के सिर्फ 3 दिनों के बाद 14 फरवरी 2015 को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है और करीब 45 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट के दौरान हॉटस्टार को 34 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हासिल हुए। और फिर ठीक इस टूर्नामेंट के बाद हुए IPL 2015 सीजन में भी हॉटस्टार 20 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज बटोरने में सफल रहा था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय तक IPL के टीवी राइट सोनी के पास हुआ करते थे और ऑडियंस IPL को हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस की कमेंट्री के साथ देख सकती थी। हालांकि सोनी उसको बदलना चाहती थी और IPL की कमेंट्री में कई सारे और रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड करना चाहती थी, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं टीवी पर ऐसा कर पाना काफी कठिन था, क्योंकि इसके लिए सोनी को हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग चैनल्स बनाना पड़ता था, जो कि सोनी और IPL देखने वाली ऑडियंस दोनों के लिए ही झंझट भरा काम था। लेकिन दोस्तों हॉटस्टार ऐप पर ऐसा आसानी से किया जा सकता था, जिसे देखते हुए यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 रीजनल लैंग्वेजेस को ऑप्शन दिया गया। इस रेवोल्यूशनरी स्टेप ने IPL और हॉटस्टार दोनों को ही पैन इंडिया पॉपुलैरिटी हासिल करने में मदद की और हॉटस्टार भारत में ऑनलाइन क्रिकेट स्ट्रीमिंग का सिनोनिम्स बन गया और अब तक तो इस मार्केट में उसकी मोनोपोली स्थापित हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों हॉटस्टार का सपना क्रिक बज की तरह क्रिकेट तक सीमित रहने का नहीं बल्कि हर तरह के व्यूवर्स को सेटिस्फाई करते हुए एक कंप्लीट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनने का था। इसके लिए हॉटस्टार ने क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया। और दोस्तों इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी बड़ी फुटबॉल लीग की लाइव स्ट्रीमिंग करके हॉटस्टार ने भारत के फुटबॉल फैंस के दिलों में भी अपनी एक अलग जगह बना ली। अप्रैल 2016 में हॉटस्टार अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क HBO के साथ भी एक डील करता है और उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता है। अब अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अमेरिकन टीवी शो को पसंद करने वाले इंडियन फैंस के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साल 2016 में ही नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भी इंडियन मार्केट में एंट्री लेते हैं, लेकिन हॉटस्टार की पॉपुलैरिटी के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसी साल सितंबर में जब रिलायंस जियो अपनी अफोर्डेबल 4G सर्विस के साथ मार्केट में एंटर करता है, तो फिर भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगती है और इसका सीधा असर भी हॉटस्टार की पॉपुलैरिटी पर ही पड़ता है। साल 2017 तक हॉटस्टार करीब 30 करोड़ डाउनलोड्स कंप्लीट कर चुका था और इसके पास 7.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हॉटस्टार अपनी इतनी बड़ी ऑडियंस से पैसे कैसे कमा रहा था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हॉटस्टार एक हाइब्रिड मॉडल पर वर्क कर रहा था, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ कंटेंट तो फ्री था जिसके बीच में एडवर्टीजमेंट आती थी और कुछ प्रीमियम कंटेंट को देखने के लिए व्यूवर्स को सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता था। हॉटस्टार ने शुरू से ही एक यूनिक बिजनेस मॉडल पर वर्क किया जिसमें वो पहले तो ऑडियंस को फ्री कंटेंट दिखाकर अपने प्लेटफॉर्म की ओर अट्रैक्ट करते हैं और फिर आगे चलकर उन्हें ही अपने प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए सब्सक्रिप्शन बेचने की ट्राई करते हैं।
लेकिन दोस्तों इस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर लोग फ्री का कंटेंट एड्स के साथ देखकर ही खुश हो जाते थे और कभी भी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते थे। अब अगर आप साल 2017 में रिलीज की गई इस डेटा टेबल पर नजर डालेंगे तो फिर आपको हॉटस्टार की हालत का अंदाजा अच्छे से लग जाएगा। एक तरफ जहां Amazon वीडियो, जिसे आज हम Amazon प्राइम के नाम से जानते हैं, उसकी 100% पेड सब्सक्राइबर्स थे, वहीं हॉटस्टार के लिए ये नंबर सिर्फ 3-5% के बीच था। और दोस्तों इसी डिफरेंस को देखते हुए हॉटस्टार अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस पर ज्यादा फोकस करती है और फिर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के लिए 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। साथ ही हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन जियो के 399 वाले मंथली प्रीपेड प्लान के साथ भी बांटे जाते हैं, जिससे कि हॉटस्टार को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन उस समय तक हॉटस्टार ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में यही जियो मार्केट से उनका सफाया भी कर सकता है। खैर, हॉटस्टार के डाउनफॉल पर आने से पहले हमें 2017 से 2022 तक की उस जर्नी को जानना होगा जिसे कि हॉटस्टार का गोल्डन एरा कहा जा सकता है। दोस्तों साल 2019 में फिर से हॉटस्टार के पास 2 ऐसे क्रिकेट इवेंट्स के स्ट्रीमिंग राइट्स थे जिन पर पूरा भारत नजरें गड़ाए बैठा था। IPL 2019 का फाइनल, जो कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था, उसको करीब 1.86 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, जो कि उस समय एक रिकॉर्ड नंबर था। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा और इसी साल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच को 2.5 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। अब इस मैच के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल जरूर टूट गया था, लेकिन हॉटस्टार की पॉपुलैरिटी को 4 चांद लग चुके थे और वर्ल्ड कप के दौरान ही हॉटस्टार 10 करोड़ डेली यूजर्स के फिगर तक पहुंच जाती है। अब एक तरफ जहां हॉटस्टार भारत में धमाल मचा रहा था, वहीं अमेरिका में एक डील होती है जहां स्टार इंडिया और हॉटस्टार की पैरेंट कंपनी 21st Century Fox को वॉल्ट डिज्नी कंपनी एक्वायर कर लेती है। इससे हॉटस्टार, जो पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर करके बैठा था, वो एक ही झटके में वॉल्ट डिज्नी के पास आ जाता है और ये कंपनी अपने न्यूली लॉन्च्ड इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग ब्रांड डिज्नी प्लस को हॉटस्टार के साथ में मर्ज कर देती है। इस तरह से 29 मार्च 2020 को हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार के रूप में रिलॉन्च किया जाता है। डिज्नी के साथ मिलकर हॉटस्टार ग्लोबली एक्सपेंड करता है और इंडोनेशिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके और अमेरिका जैसे देशों तक भी पहुंच जाता है। साल 2020 और 2021 में जब COVID-19 के चलते IPL का कंटेंट थोड़ा फीका पड़ा, तब हॉटस्टार की हेल्प डिज्नी की ही मूवीज और शोज ने की, जिसमें कि मार्वल और लॉयन किंग जैसे मूवीज का बड़ा हाथ था। और दोस्तों पता है, जहां साल 2020-21 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रेवेन्यू 815 करोड़ था, वहीं साल 2021-22 के साइकिल में वो अपने रेवेन्यू को 74% इंक्रीज करके 1400 करोड़ के भी पार पहुंचा देता है। लेकिन फिर 14 जुलाई 2022 को कुछ ऐसा होता है जिसने हॉटस्टार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन IPL के मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शनिंग होती है, जिसमें हॉटस्टार के सामने मुकेश अंबानी की वायाकॉम 18 थी। अब क्योंकि IPL के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स पर हमेशा से ही हॉटस्टार का ही कब्जा रहा था, तो फिर सभी लोग इस बार भी हॉटस्टार को ही विनर मानकर चल रहे थे। लेकिन मोटा भाई की वायाकॉम 18 ने ऐसा दाव खेला कि हॉटस्टार चारों खाने चित हो गया। जहां एक और स्टार इंडिया ने साल 2017 में IPL के टीवी और डिजिटल राइट्स को 5 साल के लिए करीब 16,347 करोड़ रुपए में खरीदे थे, वहीं 2022 के ऑक्शन में वायाकॉम 18 ने सिर्फ डिजिटल राइट्स की कीमत ही 23,000 करोड़ के पार पहुंचा दी। और जाहिर सी बात है कि हॉटस्टार इसका मुकाबला नहीं कर सकी। अब डिजिटल राइट्स न सही, स्टार इंडिया के हाथ IPL के टीवी राइट्स तो लग गए, लेकिन मुकेश अंबानी की अगली चाल ने इस पर भी पानी फेर कर रख दिया। जियो ने अनाउंस कर दिया कि वो 2023 की IPL को बिल्कुल फ्री में दिखाएंगे। इससे जो लोग टीवी पर IPL देखते थे वो तक मोबाइल पर शिफ्ट हो गए और स्टार इंडिया का सारा बिजनेस ठप हो गया। और दोस्तों रही सही कसर, जियो ने फीफा वर्ल्ड कप और बिग बॉस OTT सीजन 2 को भी फ्री में दिखाकर पूरी कर दी। जियो सिनेमा के मार्केट में एंट्री लेने से पहले हॉटस्टार के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हॉटस्टार का साथ छोड़ चुके हैं। अब जिस क्रिकेट के जरिए हॉटस्टार ने इंडियन मार्केट पर कब्जा किया था और जिस फ्री कंटेंट को दिखाकर लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा था, जियो ने हॉटस्टार के उसी चाल को ही रिप्लिकेट करके हॉटस्टार के ही मार्केट पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या क्रिकेट में इतनी पावर है कि हॉटस्टार उसके बिना मार्केट में एग्जिस्ट ही न कर पाए? आखिर G5, Amazon प्राइम, सोनी लीव और ऐसे ही कई OTT प्लेटफॉर्म्स भी तो क्रिकेट के कंटेंट के बिना मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों हॉटस्टार के साथ जो है ना, मेन प्रॉब्लम ही कंटेंट का है। हॉटस्टार पर ज्यादातर लोग सब्सक्रिप्शन इसलिए ही लेते हैं जिससे कि वो HBO के गेम ऑफ थ्रोन्स और द लास्ट ऑफ अस जैसे शोज देख पाए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसी साल 1 अप्रैल को HBO भी हॉटस्टार से किनारा कर चुका है। अब दोस्तों G5 और सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म समय समय पर कुछ ऐसे शो जरूर निकालते हैं जो कि उनके प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को जोड़े रखते हैं। दूसरी तरफ Amazon प्राइम की अगर बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर भी कुछ अच्छे शो जरूर नजर आते हैं। नहीं तो Amazon फ्री डिलीवरी, किंडल
और Amazon Music जैसे सर्विसेज के लिए तो लोग इसे खरीद ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों हॉटस्टार के तो नाम में ही सिर्फ स्टार है, उस पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसने कि आम इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हो। यही कारण है कि हॉटस्टार अपनी ऑडियंस को लगातार खोता जा रहा है। और खबरें तो ये भी है कि शायद आने वाले दिनों में वॉल्ट डिज्नी भी उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि जब से IPL राइट्स के बिकने की खबर आई है तब से 25% से ज्यादा कस्टमर्स हॉटस्टार को छोड़ चुके हैं। और पहले हॉटस्टार जहां हर कस्टमर से कम $0.74 कमा रहा था, अब ये एवरेज $0.59 पर आ चुका है। और आलम तो ये है कि जियो को कंपटीशन देने के चक्कर में हॉटस्टार को एशिया कप और 2023 वर्ल्ड कप भी फ्री में ही दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अब अपनी ऑडियंस को जाने से रोकने के लिए और थोड़ी बहुत नई ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या फ्यूचर में जियो हॉटस्टार को एक्वायर कर सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर जियो का प्लान हॉटस्टार को एक्वायर करने का होता तो वो उन्हें लगातार इतने नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाते। जियो ने हॉटस्टार की कमर तोड़कर उनका मार्केट शेयर छीना है और अब वो घाटे में जा रहे हॉटस्टार को क्यों ही खरीदेंगे? ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये है कि आने वाले समय में हमें जियो और डिज्नी का मर्जर देखने को मिल सकता है, और फिर जब डिज्नी का कंटेंट भी जियो के पास होगा तब शायद जियो उसे भी फ्री दिखाकर वहां से ऑडियंस बटोरेगा। तो क्या अब आने वाले समय में इंडियन OTT मार्केट से हॉटस्टार खत्म हो जाने वाला है? अब दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेशक इसका जवाब हाँ में ही दिया जाएगा। फिलहाल हॉटस्टार को चाहिए कि वो IPL की पास मेमोरीज से आगे बढ़कर दूसरे कंटेंट पर भी फोकस करे। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा कड़क कंटेंट लाना होगा जो कि इंडियन ऑडियंस से रिलेटेबल हो। वैसे क्या आपने कभी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया है? और अगर हाँ तो हॉटस्टार के कौन से कंटेंट ने आपको अट्रैक्ट किया? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।